नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पंजाब के तरन तारण जिले में हमला। प्रवीण भाई तोगरिया कहते हैं सरकार को बदरुद्दीन अजमल के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कछाए पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद से 2 लाख यावा टेबलेट बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पंजाब के तरन तारण जिले में हमला। फिर से बड़ी तोड़फोड़ की घटना। पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तरन तारण जिले में एक पुलिस थाने पर हमला किया गया। हमला शुक्रवार आधी रात को हुआ। रॉकेट लॉन्चर से गोला दागा गया। गोला पहले खंभे से टकराई, फिर थाने के अंदर विस्फोट हो गया। घटना में किसी को चोट नहीं आई। बदरुद्दीन अजमल के घर पर सरकार को बुलडोजर चला देना चाहिए, यह भाई प्रवीण तोगरिया की टिप्पणी है। शनिवार को सिलचर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। उस दिन उन्होंने भक्तपुर राष्ट्रीय बजरंग दल कछार जिला कमेटी के पदाधिकारियों से विचारों का आदान प्रदान किया। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं का अपमान किया है, असम सरकार को उनके घर को बुलडोजर से उड़ा देना चाहिए और उन्हें बांग्लादेश भेज देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि असम में हिंदुओं को नागरिकता दी जानी चाहिए और मुसलमानों को आइसोलेशन में भेज दिया जाए। इस दिन उनके साथ बजरंग दल के केंद्रीय सचिव दिनेश साहू, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष दिनेश कल्टा, शंकर चंद्र, राजू सिन्हा सहित अन्य लोग मौजूद थे। असम के अजमल बदरुद्दीन हिंदुओं के अपमान के लिए बोल रहा है, उनको डोंकी गधे पर बिठाकर बांग्लादेश भेज दो। असम सरकार उनके घर पर बुलडोजर चलाए। अजमल बदरुद्दीन तबलीग जमात से जुड़ा हुआ है। तबलीग जमात पर सऊदी अरेबिया ने प्रतिबंध लगाया है और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि तबलीग जमात टेरर का प्रवेश द्वार, इट इज अ गेटवे ऑफ ए टेरर। यह जहां मक्का मदीना है वह सऊदी अरेबिया ने कह के तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाया है, तो असम सरकार तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर बदरुद्दीन अजमल की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए। अभी आसाम में एक असमिया हिंदू को डी वाटर घोषित किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक भी हिंदू, वह असमिया हिंदू होगा या बंगाली हिंदू होगा, वह डी वाटर नहीं है। वह भारत का नागरिक है, भारत का बेटा है, भारत का मालिक है। इसलिए एक भी असमिया, एक भी बंगाली हिंदू को डी वाटर न बनाया जाए। कोई बांग्लादेश से हिंदू आ गया है तो भारत की नागरिकता देने का कानून बन गया है। देर रात कछार पुलिस ने 147 सीआरपीएफ की मदद से 2 लाख यावा टेबलेट बरामद की है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 कारों को जब्त किया गया है। बरामद यावा टेबलेट की बाजार कीमत 50 करोड़ रुपये आकी गई है। कछार के पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। यह गोलियां मिजोरम के चंपई जिले से कछार आ रही थी। धोलाई पुलिस ने एक अभियान चलाया और AS-25 TC-1582 वाले ट्रक का पीछा किया और इन गोलियों को बरामद करने में कामयाब रही। इस घटना में शामिल होने के आरोप में कामरूप बाकू इलाके के चंदन डालू, मेघराज हाजोंग, राजदीप पाल, बहादुर बारबलोंग को गिरफ्तार किया गया है और यावा टेबलेट लेने आए करीमगंज जिले के सुमन सरकार नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया गया है।
जिखिनी बर्तमान लेके जिखिनी आमी जिखिनी सामग्री आमी खानदालासि चलाय आमी लाभ रिकवर करिसु आरो सीज करिसु हेखिनी 2 लाख जावा टेबलेट्स आरो ए 2 लाख जावा टेबलेट मिजोरामर चाम्पाई जिला परा हरबरा होइसिले आरो आमी एटा बिखेक खुत्रर पम खेदि ए अभियान आमी अब्याहत राखिसिलु जुवा 15 दिन धरि आमी ए बिषयटु लै पलाय আমি আমাৰ কিছু অভিযান আৰু আমাৰ ইণ্টেলিজেন্স আমি গিয়াৰ আপ কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যোৱাকালি আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তেওঁ এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি চিজ কৰিছোঁ এই সামগ্ৰীখিনিৰ বহিৰাজ্যৰ চোৰাং বজাৰত তাৰ আনুমানিক মূল্য হ'ল প্ৰায় 50 কোটিৰো অধিক। তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিচিভাৰ আছে ৰিচিভাৰকো আমি এতিয়া সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰাৰ পিছত সামগ্ৰীখিনি এটা আন্তঃৰাজ্যৰ মাজেদি তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 10 महीने हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर देश के इस प्रयास को याद दिलाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया की आवाज़ बन गए हैं, खासकर विकासशील देश के। भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए यूक्रेन में संघर्ष को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं। वह सबसे पहले सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे। वहां वंदे भारत एक्सप्रेस के सफ़र की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल यात्रा करेंगे। वह खपरी में नागपुर मेट्रो फेज 1 राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और इसी मौके पर नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं बनेगा बल्कि भारत अमेरिका की तरह एक और महाशक्ति बनेगा। व्हाइट हाउस के एशिया समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने गुरुवार को वाशिंगटन में स्पेन सुरक्षा फोरम की बैठक में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों में भारत के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध किसी भी अन्य देश की तुलना में गहरे और मजबूत हुए हैं। चौदह सदस्यीय देशों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन किया। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आपातकालीन या युद्ध स्थिति में मानवीय सहायता पर सभी प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुचिरा कम्बोज ने नई दिल्ली की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत मानवीय सहायता की आवश्यकता को पहचानता है, लेकिन हमें लगता है कि मानवाधिकार संगठन जो संबंधित स्थितियों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करेंगे उन्हें भी सक्षमता और सुरक्षा के मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता है।